चलो रीमक, तबीयत खराब बा, उल्टी होते या पलटी करत हिन। आप लोगन सपोर्ट करी या बहुत मेहनत करी लिन। आगे बढ़ावल जाए इनके। आगे चार पाई प्लेट ही जाए। देखल जाए एकदम बहुत ज्यादा बुखार बा, चक्कर आवा था, पलटी करत है। रिया देखल जाए बहुत ज्यादा तबीयत खराब बा। अब चल के सुई लगवा दे, दवाई ले, चला आराम थोड़े से मिल जाता। नमस्ते राधे राधे, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं, मेरा इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब है ना, ये चक्कर भी आ रहा है, पूरा शरीर तप रहा है, आँख के माले इतना तेज तबीयत ख़राब है, बुखार है। और दवा खाई थी अभी को, वो भी उल्टी हो गया, और मेरा गला भी बैठा हुआ है। आज जब से उठी हूँ सिर्फ सोई रही थी, उसके बाद उठी हूँ, चाय थोड़ा सा पी हूँ, फिर भी मुझे उल्टी सा लग रहा था, इसलिए वजह से मैं चाय से दवा नहीं खाई हूँ, तो पानी से मेरी दवा खाई हूँ। अभी सुबह का टाइम है और राज गया स्कूल, अब मैं घर पर हूँ, मैंने छुट्टी लिया है स्कूल से। जो तबीयत ख़राब है तो कैसे जाएंगे, और मेरा गला देख ही रहे कितना बैठ गया है। वह मुझे ना परसों से मेरा गला मतलब थोड़ा बैठा सा लग रहा था, तो फिर कल मुझे लगा कि मुझे बुखार हो गया, जुकाम होगा। फिर रात की रात रात बस सोई भी नहीं हूँ फ्रेंड, इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब था। और दो दिन से इधर काला आ रहा है, और दो दिन से मैंने वीडियोस भी नहीं बनाए फ्रेंड, तबीयत ख़राब होने के नाते। कल भी मैं वीडियोस नहीं बनाई, और शायद आज भी मुश्किल ही लग रहा है वीडियोस बनाना। अगर अच्छा रहा तबीयत तो बनाऊंगी, वरना नहीं बनाऊंगी। तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है फ्रेंड, तो आगे बने रहिए और आप लोग को दिखाएंगे। अगर मार्केट जाएंगे तो मार्केट का भी नज़ारा आप लोग को दिखाएंगे। अभी को मुँह हाथ धुली हूँ फ्रेंड, और अब जाके थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना हमेशा बैठने का तो मन ही नहीं कर रहा है, सिर्फ लेटे रहो लेटे रहो। अब जा रहे हैं, कुछ खाए हुए थे फिर उल्टी हुई थी, अब भूख लगी है, अब फिर जा रहे कुछ खाएंगे। बिना भूख अब भूख लगी तो खाना तो पड़ेगा ही, और जा रहे हैं। आज मैं बहुत सोई हूँ फ्रेंड, तबीयत ख़राब थी इसी की वजह से। सारा काम मम्मी की है, मैं आज एक भी काम नहीं की हूँ। आज आएंगे मार्केट, आज सुई लगवाएंगे, नहीं लगवाएंगे, मैं नहीं लगवाऊंगी। एक बार ऐसे बुखार हुआ था इतना तेज कि उतर नहीं रहा था, तब वही जबरदस्ती मम्मी लगवाई थी। ऐसे बार बार मतलब रात में रात भर सोई नहीं हूँ फ्रेंड, मतलब इतना दर्द कर रहा था, इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था रात में। फिर उसके बाद वही मॉर्निंग में सोई हूँ बहुत ज़्यादा। अभी जानते हैं कितना बज गया, 11 बजने वाले हैं। तो खाना को लेकर बाहर चलते हैं, उसके बाद आपसे भी मिलते हैं। लीजिए फ्रेंड, चावल भुजिया सब्जी और पराठा ली हूँ फ्रेंड, और मछली सब्जी बनी है बट वो नहीं लूँगी, ये भुजिया ही लूँगी। भुजिया इसलिए बनता है सुबह के टाइम क्योंकि हम लोग को स्कूल ले जाना पड़ता है लंच, जो नाश्ता बनता है सुबह के टाइम। तो खाना खाने के बाद आपसे से मिलते हैं फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, देख लीजिए अब अच्छी हूँ, अब बुखार वखर हल्का हो गया है, सर वर भी बहुत दर्द था वो भी ख़त्म हो गया है, और जा रही हूँ
जा रही दवा खाने। रात हो गया है, शाम हो गया है और राज पढ़ाई कर रहा है। वहाँ मच्छर लगता है ना कोने में, तो इसलिए ऊपर से उठ कर यहाँ पंखा भी चालू किए हैं। रात हो गई है, देख लीजिए शाम हो गया है। इतना मैं बोली कि मैं जाऊंगी मार्केट, बटन मार्केट नहीं गई, मैं जा ही नहीं पा रही थी यहाँ तक कि मतलब बैठ नहीं पा रही थी फ्रेंड सुबह के टाइम। फिर उसका बगल से मैं बताई थी कि बगल से दवा हम जो छोटा सा दुकान है वहाँ से मिल जाता है, तो अगर एक दो खुराक जो भी मतलब खाना आना होता है तो वहाँ से मिल जाता है, तो वहीं से अपना मंगा कर फिर से खाई थी। अब इसके बाद फिर राज आया शाम के मतलब स्कूल से, फिर उसके बाद दो खुराक और मंगाई मैं वहाँ से, तो वही लाया हुआ है। अब मैं वही दवा खाने जा रही हूँ और खाना वाना मॉर्निंग के टाइम में आप लोगों ने देखा ही, वही दाल दाल बोल रही हूँ, चावल सब्जी रोटी खाई थी और दोपहर में नहीं खाना खाई, फिर अभी को खाई हूँ, वो भी दोपहर का मतलब सुबह का खाना था जो शाम को मैं अभी को खाई हूँ, क्योंकि पड़ा हुआ था तो भूख लगी थी तो मैं खाई हूँ। और खाना मम्मी मेरी बना रही हैं और खाने में बन रहा है हल्का, क्योंकि मैं खा चुकी हूँ, सिर्फ राज है मम्मी है तो इसलिए हल्का खाना बन रहा है, तो वही खाने जा रही हूँ। और ब्लॉग को पूरा देखा करिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और मैं बता दूँ आज मैं वीडियोज भी बनाई हूँ, 2-3 दिन हो गया था मैंने अच्छा वीडियोज भी बनाया, तो आज मैंने बनाया है। तबीयत खराब था फिर भी मैंने वीडियोज बनाया, क्यों? क्योंकि मुझे आगे निकलना है, मुझे आगे बढ़ना है, किसी अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है, कुछ आप वैसे कुछ पाएंगे नहीं अगर जब तक अपना कुछ खोएंगे नहीं, तो वही बात है। इसलिए दर्द था शरीर में, फिर भी अपना मैनेजमेंट करके मैंने वीडियोस बनाया और अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे फ्रेंड।